बल्देवगढ़ से बड़ी बाबा क्रिकेट टूर्नामेंट क्लब सुदानपुरा में भव्य फाइनल देवरदा व बुडेरा के बीच खेला गया, जिसमें बुडेरा ने पहले खेलते हुए 162 रन बनाए। उसके बाद देवरदा ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए 9 विकेट से जीत हासिल की। विजेता टीम को 11,000 रुपये व शील्ड व उपविजेता को 5,100 रुपये एवं शील्ड प्रदान कर पुरस्कृत किया गया। मुख्य अतिथि रहे दुष्यंत लोधी ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन ग्राम स्तर पर होने से ग्रामों की प्रतिभा निकल आती है, वह एक दिन अपने ग्राम प्रदेश देश का नाम रोशन करते हैं। खेल जीवन का अभिन्न अंग भाग है। प्रमुख रूप से किशोरी लाल यादव जी, सरपंच प्रतिनिधि बादशाह यादव, बबलू दाऊ बहुत संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित थे। टीकमगढ़ से जिला ब्यूरो चीफ राहुल घोष की खास रिपोर्ट। पावन धरा पर किया जा रहा था, जिसमें देवरदा की टीम ने बहुत ही शानदार जीत हासिल की है। क्योंकि मैं मैच का आनंद नहीं ले पाया, अभी यहाँ लाया था और विजय हासिल की है। जैसा कि चाहे खेल हो या राजनीति हो या समाज सेवा हो, तीनों ही चीजें एक दूसरे के पहलू है। एक टीम जीतती है तो दूसरी हारती है। हारने से मतलब है दूसरी हारने वाली टीम को सीख मिलती है कि हमने कहाँ कमियां रखी हैं, इसके कारण हम हार चुके हैं। हमारी जो दूसरी टीम बुडेरा है, मैं आपको करते हुए बोलना चाहता हूँ कि जिस हार से आप जीते, आगे आने वाली वर्ष में आप ग्राम पर खेले तो वो सभी जो आयोजक है आदरणीय चाचा जी एवं आप सभी के सहयोग से जो क्रिकेट टूर्नामेंट क्लब है सुजानपुरा का, सभी के सहयोग से इस प्रकार का भव्य टूर्नामेंट आयोजित हुआ है। और आप सभी ग्रामवासियों को तहे से आभार व्यक्त करते हैं और देवरदा की टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अपने बधाई की आगे अच्छा खेलें और Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.